क्या आपका जन्म 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है? अगर आपका नहीं हुआ तो आपके घर में किसी ना किसी का जन्म तो इन्हीं तारीख में हुआ होगा। तो आने वाला वर्ष 2023 आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए जिनका जन्म 4/13/22 या 31 तारीख में हुआ है, उनके लिए कैसा रहने वाला है? तो चलिए सारी भविष्यवाणियां, जो 10 महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो 1000% आपकी लाइफ में 23 में होकर ही रहेगी। मूलांक 4, रूल करने वाला प्लैनेट है राहु और ये छाया ग्रह है, और इस वर्ष 2023 का जो अंक है वह है 7 और वो अंक है केतु का। जो दो ग्रह है, एक का सर है, एक का शरीर का निचला हिस्सा धड़ है, और जब ये दोनों ग्रह इस वर्ष पावर में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एकत्रित होकर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। ध्यान रखिए, आपका मूलांक का जो ग्रह है वह है राहु और वर्ष का जो ग्रह है वह है केतु, और जब कोई व्यक्ति जिसके पास सर तो है लेकिन शरीर नहीं, और जिसके पास शरीर है लेकिन सर नहीं, और जब दोनों मिलकर एक हो जाएंगे 23 में, तो फिर बड़ा धमाल करने वाले हैं भाई। इस बात को समझ लीजिए, ये जो वर्ष है मूलांक 4 वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, या फिर आप इंटरनेट से संबंधित किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो भाई ये जो समय है वो आपको जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जाने वाला है। आपका दिमाग और आपकी मेहनत, समझ लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर, आपके दुश्मन या आपका बुरा चाहने वाले लोगों के लिए, तो इस समय आप उनके ऊपर काल बनकर बरसने वाले हैं। जी हाँ, कोई मुकाबला नहीं है वर्ष 2023 में आपका। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के पास ताकत आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और मूलांक 4 वालों के अंदर भी ऐसा ही अहंकार आने वाला है। अपनी ताकत का घमंड और उसका दुरुपयोग आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना सही है और क्या करना गलत है, सारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। यह वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, जो आपकी आर्थिक, आपके व्यापारिक और आपकी वर्किंग फील्ड में आपको सफलता देने वाला रहेगा, जहां आप अपने जीवन में मनचाही उपलब्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में काफी ग्रोथ मिलने वाली, जो लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या जो लोग इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही ज्यादा अच्छा और ग्रोथ देने वाला है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उन्हें भी अचानक से 2023 में बहुत ज्यादा धन का लाभ मिलने वाला है, और ये जुलाई के महीने में और अप्रैल के महीने में आपके साथ हो सकता है। साथ ही साथ जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। जॉब कर रहे हैं बहुत दिन से, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, सक्सेस नहीं मिल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो भाई 23 में आपको वो भी हो जाएगा। धन की स्थिति आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है, पैसा बहुत कमाएंगे लेकिन खर्चे उतने ही ज्यादा आपके 23 में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में 23 में परिवर्तन हो जाएंगी, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा सा तेज हो सकता है। जो लोग साइंस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, रिसर्च अनुसंधान आदि या रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, लेबोरेटरी वगैरह में जो लोग वर्क कर रहे हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई रिसर्च की जाती है, तो भाई इस समय उनकी रिसर्च से उनका नाम भी काफी ऊंचा हो जाएगा, और इस वर्ष वो व्यक्ति उच्चतम सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे, और उनकी कोई रिसर्च, कोई एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल होगा जिससे वो बहुत ज्यादा ख्याति, पद प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी दिल की गहराइयों से भावनाएं जुड़ी हुई, जिसे बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो व्यक्ति वर्ष 2023 में आपकी लाइफ में आने वाला है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे योग रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स पिछले समय में चल रही थी वो आपकी ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दिमाग पर टेंशन ना लें, ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा डिप्रेशन में ना जाए, नहीं तो मानसिक उन्माद, मानसिक पागलपन आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगा, और लोग ये कहेंगे कि ये तो पागल होने वाला है, इसका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो इस चीज से आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोचेंगे बहुत, कल्पनाएं बहुत होंगी, चीजों को बहुत आइडियाज आएंगे, बहुत तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, काम भी करेंगे, और रिस्क
23 में आपके बराबर रिस्क लेने वाला व्यक्ति शायद ही कोई होगा जो हर एक मुसीबत में रिस्क लेकर अपने आप को सक्सेस बना ही लेगा। तो ये बहुत ज्यादा योग अच्छा योग है। कहा जाता है कि जीवन में जब तक जोखिम नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो भी नहीं सकता है। तो रिस्क लेना आपकी आदत भी है और 23 में आप जमकर रिस्क लेने वाले हैं, लेकिन वो रिस्क आपको सक्सेस देने वाली रहेगी। अचानक कहीं से बहुत बड़ा धन का लाभ मिल सकता है, बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको गुप्त धन या अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। कोई भी 23 में ऐसा होगा, आपने इच्छा की कि मुझे पैसे चाहिए और कोई भी हाथ में रख के चला जाएगा कि ये लीजिए पैसे, तो भाई ऐसा योग भी 23 में आपके लिए बन रहा है। तो ये जो 10 भविष्यवाणियां हैं जो मैंने आपको बताई है, एक नहीं 1000% आपकी लाइफ में 23 में होने वाली है। अगर आपका जन्म 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। राशिफल को सुनना नहीं है, समझना है, उस पर विचार करना है और उसी के हिसाब से स्टैंड लेना है। अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीजों को समझ लीजिए। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे और आने वाले वीडियोस का इंतजार भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।